भीष्म जी ने कहा, बेटा, जब बलवान पुरुष दुराचारी होकर धर्म को हानि पहुंचाने लगते हैं, तो साधारण मनुष्यों के द्वारा उसकी रक्षा का यत्न होने पर भी समय अनुसार उसमें विकृति आ ही जाती है। फिर तो घास फूस से ढके हुए कुएं की तरह अधर्म ही धर्म का चोला पहनकर सामने आता है। इससे सदाचार का हास होने लगता है और आचारहीन, धर्मद्रोही तथा वेद शास्त्रों का त्याग करने वाले मंद बुद्धि पुरुष धर्म की मर्यादा भंग करने लगते हैं। उस अवस्था में धर्म के स्वरूप के विषय में बड़ा संदेह होता है। जिनकी बुद्धि आगम प्रमाण को ही श्रेष्ठ मानती हो, जो सदा संतुष्ट रहते तथा लोप मोह का अनुसरण करने वाले अर्थ और काम की उपेक्षा करके धर्म को ही उत्तम समझते हो, ऐसे महात्मा पुरुषों के पास जाकर तुम्हें प्रश्न करना चाहिए। उन संतों के सदाचार, यज्ञ और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों के अनुष्ठान में कभी कोई अंतर नहीं आता। उनके आचार, उसको बताने वाले वेद शास्त्र तथा धर्म, इन तीनों की एकता होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मेरी बुद्धि पुनः संशय के अपार समुद्र में डूब रही है। मैं इसके पार जाना चाहता हूँ, किंतु कोई कूल किनारा नहीं दिखाई देता। यदि प्रत्यक्ष, आगम और शिष्टाचार ये तीनों ही प्रमाण हैं, तो इनकी तो पृथक-पृथक उपलब्धि हो रही है, और धर्म एक हैं, फिर ये तीनों कैसे धर्म हो सकते हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, यदि तुम प्रमाण भेद से धर्म को तीन प्रकार का मानते हो, तो तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। यह निश्चय समझो कि धर्म एक ही है। तीनों प्रमाणों के द्वारा एक ही धर्म का दर्शन होता है। मैं यह नहीं मानता कि ये तीनों प्रमाण भिन्न-भिन्न धर्म का प्रतिपादन करते हैं। उक्त तीनों प्रमाणों के द्वारा जो धर्ममय मार्ग बतलाया गया है, उसी पर चलते रहो। मेरी बात में तनिक भी संदेह न करो। अंधों और गूंगों की तरह निशंक होकर मैं जैसा कहूँ, उसके अनुसार आचरण करो। अजातशत्रु, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव और दान, ये चार सनातन धर्म हैं। इनका सदा ही सेवन करो। तुम्हारे पिता पितामह आदि ने ब्राह्मणों के साथ जैसा बर्ताव किया, तुम भी उसका अनुसरण करो। जो मनुष्य प्रमाण को भी अप्रमाण बताता है, वह अज्ञानी है। उसकी बात को प्रमाणिक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह केवल विवाद करने वाला है। तुम ब्राह्मणों की ही सेवा में लगे रहो और यह जान लो कि यह संपूर्ण लोक ब्राह्मणों के ही आधार पर टिके हुए हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो मनुष्य धर्म की निंदा करते हैं और जो धर्म का आचरण करते हैं, वे किन लोकों में जाते हैं? आप इस विषय का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य रजोगुण और तमोगुण से चित्त मलिन होने के कारण धर्म से द्रोह करते हैं, वे नरक में पड़ते हैं, और जो सदा सत्य भाषण में तत्पर होकर धर्म का पालन करते हैं, वे स्वर्ग लोक का सुख भोगते हैं। मनुष्य हो या देवता, जो शरीर को कष्ट देकर भी धर्माचरण में लगे रहते हैं तथा लोभ और द्वेष का त्याग कर देते हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। मनीषी पुरुष धर्म को ही ब्रह्मा जी का श्रेष्ठ पुत्र कहते हैं। जैसे खाने वालों का मन पके हुए फल को अधिक पसंद करता है, उसी प्रकार धर्मनिष्ठ पुरुष धर्म की ही उपासना करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, साधु पुरुष कौन से काम करते हैं तथा सज्जन और दुर्जन मनुष्य कैसे होते हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, दुर्जन पुरुष दुराचारी, दुर्धर्ष और दुर्मुख होते हैं और सज्जन मनुष्य सुशील हुआ करते हैं। धर्मात्मा पुरुष सड़क पर गांवों के बीच में
तथा अनाज की ढेरी पर मल मूत्र का त्याग नहीं करते। सत्पुरुष देवता, पितृ, भूत, अतिथि और कुटुंबी इन पांचों को भोजन देकर शेष अन्न का स्वयं आहार करते हैं। भोजन करते समय बातचीत नहीं करते तथा भीगे हाथ लिए शयन नहीं करते हैं। जो लोग अग्नि, वृषभ, देवता, गोशाला, ब्राह्मण, धार्मिक और वृद्ध पुरुषों की प्रदक्षिणा करते हैं, जो बड़े बूढ़ों, बोझ से कष्ट पाते हुए मनुष्यों और स्त्रियों को तथा अनेकों गांवों के अधिपति, ब्राह्मण, गौ और राजा को सामने से आते देखकर जाने के लिए मार्ग देते हैं, उन सबको साधु पुरुष समझना चाहिए। सत्पुरुषों को चाहिए कि वह सब अतिथियों, सेवकों, स्वजनों तथा शरण चाहने वाले मनुष्यों की स्वागत पूर्वक रक्षा करे। देवताओं ने मनुष्यों के लिए सवेरे और सायंकाल दो ही समय भोजन करने का विधान किया है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी जाती। अमृत, ब्राह्मण और गौ ये तीनों एक समान हैं। अतः गौ और ब्राह्मणों को सदा विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में, यदि उसके पास कोई अतिथि आ जाए, तो उसे भूखा न रहने दे। गुरु ने जिस काम के लिए आज्ञा दी हो, उसे पूरा करके उन्हें सूचित कर देना चाहिए। गुरु के आने पर उन्हें प्रणाम करे और उनकी विधिवत पूजा करके बैठने के लिए आसन दे। गुरु की पूजा करने से आयु, यश और लक्ष्मी इन सब की वृद्धि होती है। वृद्ध पुरुषों का कभी अपमान न करे, उन्हें कोई काम करने के लिए न भेजे तथा यदि वृद्ध पुरुष खड़े हो तो स्वयं भी बैठा न रहे। ऐसा करने से मनुष्यों की आयु क्षीण नहीं होती। तीर्थों में गुरु ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। पवित्र वस्तुओं में हृदय ही अधिक पवित्र है। ज्ञानों में परमात्मा का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है और संतोष सबसे उत्तम सुख है। सायंकाल और प्रातः काल में वृद्ध पुरुषों की बातें सुननी चाहिए। जो सदा बड़े बूढ़ों की सेवा में लगा रहता है, उसे शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। स्वाध्याय और भोजन के समय दाहिना हाथ उठाना चाहिए तथा मन, वाणी और इंद्रियों को सदा अपने अधीन रखना चाहिए। अच्छे ढंग से बनाए हुए खीर, हलवा, खिचड़ी और हविष्य आदि के द्वारा देवताओं तथा पितरों का अष्ट का श्राद्ध करना चाहिए। नव ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। मूछ और दाढ़ी बनवाते समय मंगल सूचक शब्द का उच्चारण करना, छींकने वाले को आशीर्वाद देना तथा रोगग्रस्त पुरुषों का उनके दीर्घ आयु होने की शुभकामना करते हुए अभिनंदन करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी किसी श्रेष्ठ पुरुष के प्रति तुम का प्रयोग न करना। विद्वानों के लिए तुम कहकर पुकारना अथवा उनका वध करना एक सा ही माना गया है। जो अपने बराबर के हो, अपने से छोटे हो अथवा शिष्य हो, उनको तुम कहने में कोई हर्ज नहीं है। पाप करने वाले पुरुष का हृदय ही उसके पाप को प्रकट कर देता है। दुराचारी मनुष्य जानबूझकर किए हुए पाप को भी दूसरों से छिपाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु महापुरुषों के सामने अपने किए हुए पाप को गुप्त रखने के कारण वे नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य यह सोचकर अपने पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं कि मुझे पाप करते समय ना मनुष्य देख पाते हैं ना देवता, किंतु यह उनकी भूल है, क्योंकि पाप के द्वारा छिपाया हुआ पाप नए नए पाप की ही वृद्धि करता है। जैसे नमक की डली जल में डालने से गल जाती है, इसी प्रकार प्रायश्चित करने से तत्काल पाप का नाश हो जाता है। इसलिए पाप को छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छिपाने से वह बढ़ता है। यदि कभी पाप बन जाए
तो उसे साधु पुरुषों पर प्रकट कर देना चाहिए। वे उस पाप को शांत कर देते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह अकेला ही धर्म का आचरण करे, किंतु धर्म ध्वजी न बने। जो धर्म को उपभोग का साधन बनाते हैं, उसके नाम पर जीविका चलाते हैं, वे धर्म के व्यवसायी हैं। दंभ का परित्याग करके देवताओं की पूजा करे, छल कपट छोड़कर गुरु जनों की सेवा करे और दान करके परलोक की यात्रा के लिए धर्म रूपी धन का खजाना संग्रह करें।